गॉड जोया, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम वापस आ गई। अभी परसों तो तुम्हारी शादी हुई है, इतनी जल्दी कैसे आ गई? बाय द वे, तुम्हारे उस आशिक शौर ने तुम्हें इतनी जल्दी कैसे वापस आने दिया? मुझे तो लगा था शादी के बाद इस्लामाबाद साथ ही ले जाएगा। वो साथ ले जाए तो नहीं सका। ये तूने बहुत गलत किया, तुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार कम से कम तू तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं वहां अगर थोड़ी देर भी और ठहरता ना तो अब्बा जी मेरी और जोया की तलाक करवा कर ही छोड़ते। और जोया कोई बच्ची नहीं है जो इस तरह रिएक्ट करिए, शी इज अ ग्रोन अप गर्ल, उसको हालात की नजाकत को समझना चाहिए। पहले ही टेंशन कम है जो वो चीजों को और खराब कर रही। देखिए यार, ये लड़कियां बजायरी कितनी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट क्यों ना हो जाए, अंदर से बड़ी नाजुक होती हैं। और इनकी ख्वाहिश होती है कि उनका शौहर सारी दुनिया से उनकी हिफाजत करे, हर बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा हो, और तू ऐसे वक्त में उनको बिल्कुल अकेला छोड़ा है। भाभी का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है, तूने उनका मान तोड़ा है। और एक औरत का जब मान टूटता है ना तो वो अंदर से खुद भी टूट जाती है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसने मेरा मान तोड़ा है, उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहे हो? मैं बीवी से मिलने आया हूँ भाई। कौन सी बीवी? तुम्हारी यहाँ कोई बीवी नहीं है। देखो, इस निकाह नामे के मुताबिक तुम मेरी बीवी हो, अब चाहे तुम मानो या ना मानो। हाँ तो बता, तुम्हारे हॉस्टल की वार्डन तो मान गई, इसे कह रहा हूँ गुस्सा थूक दो और वो बैठ के बात करते हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। देखो जो, एक बात तो डिसाइडेड है, जब तक तुम मुझसे आराम से बैठ के बात नहीं करोगी मैं यहां से जाने वाला हरगिज नहीं। तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी बात अभी सुन लो या एक हफ्ते। मुझे तुम्हारी कोई बात ना आज सुननी है, ना एक हफ्ते के बाद, ना कभी। कुछ खराब सी लग रही है इसे ना। काफी लोगों ने आई थिंक तुम्हें इससे मिल लेना चाहिए। वैसे भी दिल के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं होता है। और हाँ, तुम्हारा तो मेरे से डबल रिश्ता है ना, शरई भी और दिली भी। चलो जाओ, मिल लो। जाओ ना, सोच के आ रही हूँ, जाओ। क्या चाहते हो तुम?
मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो इसमीर, ये हॉस्पिटल है और मैं यहाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कहीं चल के सुकून से बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बात तो हमें करनी है। प्लीज पता है, जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे मुझे ऐसा लगा मैं इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, सिर्फ अपना रिश्ता बचा रहा था। अब्बा जी ने मुझे दो ऑप्शन दिए, तो तुम्हें छोड़ दो या उस घर। एक घर छोड़ दिया जरा कि तुम्हें छोड़ना तो मेरे लिए खुदकुशी के बराबर था। सिर्फ मौत ही अलग कर सकते और कोई नहीं। हमारे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। जोया हम एक हो चुके हैं। शादी में सबसे ज्यादा अहमियत निकाह की होती है, वो हमारा हो गया, बाकी रस्मों की कोई अहमियत नहीं। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। और ये देखो, तुम्हारी मेहंदी भी मेरी मोहब्बत की गवाही देगी। Wow, very nice. Please. Thank you. मेरी बात मानने के लिए। मैं पूछ सकती हूँ इतना तैयार होने की फरमाइश क्यों की थी आपने? We are a newly married couple यार। सारी नई दुल्हनें ऐसे ही तैयार होती हैं। वरना तुम्हें पता है जब भी मैं तुमसे मिलने आता हूँ मुझे क्या लगता है? जैसे मैं कोई मरीज हूँ और किसी डॉक्टर से अपना चेकअप कराने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है लोग मुझे इतनी अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। Come on, Zoya. तुम्हारा हस्बैंड अपने काम से छुट्टियां लेके तुम्हारे पास आया तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसके लिए इतना तो कर सकती हो। थैंक यू। तुम्हें पता है बीवियों को इसी तरह तैयार होना चाहिए ताकि उनके हस्बैंड्स का ध्यान कहीं और ना भटके। क्या मतलब? अभी नई नई शादी हुई है ना, थोड़ा सा वक्त गुजर जाना सारे मतलब समझ आ। अच्छा बताओ क्या खाओगे? ये तुम क्या कह रही हो हाजरा? ठीक कह रही हूँ, हम जोया को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। ये मामला जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है। लेकिन हाजरा हमें जोया से एक बार पूछ लेना चाहिए। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? हम उसके माँ बाप हैं और हमारा हक है कि हम उसके बारे में फैसला करें। बस आप किसी वकील से बात करें और जितना जल्दी हो सके खुला का नोटिस भिजवाएं। लेकिन हाजरा आपके इस लेकिन वेकिन के चक्कर में
आपका भाई हमारे मुंह पे तलाक के कागजात मार देगा। मैं आपसे कह देती हूँ कि पहले नोटिस हमारा जाना चाहिए। इतनी जल्दबाजी से हमें काम नहीं लेना चाहिए, हो सकता है इसका कोई और हल निकले। इस मसले का और कोई हल नहीं है रहमत साहब। जल्दियों बिदेर, ये रिश्ता हर सूरत में खत्म होना ही है। आ जाओ। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि आज हमारी नई जिंदगी की पहली रात है। सबसे अलग, सिर्फ एक दूसरे के साथ। लेकिन घर वाले, हमने अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है, कोई चाहे या ना चाहे। आज के बाद बस ये याद रखना कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। सजदा वे रावा चुख लो के तेरा तरह इंतजार है।